दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हिमता जोशी स्वागत करती हूँ आज के अपने इस नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत भी मैं सुबह से ही कर रही हूँ, और सुबह मेरा मतलब सासू माँ के काम, अंदर के झाड़ू पोछा सब हो चुका है। अब रोटी बनानी बाकी है, दाल आल भी सब ना सब्जी बना दी है उनके लिए, टिफिन उफिन के लिए। अब ये लोग नहा रहे हैं। अभी आज सुबह जल्दी उठ गई थी तो सारे काम जल्दी हो गए। अभी 7 ही बजे और मेरे सारे काम हो चुके हैं, तो मैं सब थोड़ी देर बाहर आके टहल लेती हूँ और ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेती हूँ। और अभी यहाँ रात भर भी नहीं थी आज बारिश, और अभी भी ठीक हाल लग रहा, आएगी धूप थोड़ी करके, देखते हैं क्या होता है फिर। क्योंकि मैंने गेहूँ भी फैलाने हैं आज, तो अन्न भैया लाए थे कल घर से, मम्मी को छोड़ना है तो लेके आए थे, धो के ही लाए थे, तो अभी ढंग से सूखे नहीं है क्योंकि वहाँ भी बारिश आ गई होगी। तो इसलिए अब आज धूप आ जाए तो थोड़ी छत में डाल दूँगी, बाकी नहीं तो अंदर पंखे में ही सुखा रखें। और देखते हैं, और थोड़ी देर में बनाती हूँ नाश्ता, क्योंकि अभी टाइम है तो इतनी जल्दी बना के क्या करूँगी, ठंडा हो जाएगा तो रोटी बनानी है। आटा सब गूंथ दिया है, तो अभी करते हैं, घूम लेती हूँ थोड़ी देर बाहर में, चलते हैं अंदर। तो ये मैंने टिफिन रख दिया है, इसमें आज मैंने रखी है दोरे की सब्जी और रोटी, तो उसको कर देते हैं पैक। जो घर पर बनता है वही भेज देते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल, मतलब बनती है सब्जी डेली कुछ ना कुछ, उनका तुरई खाने का मन था तो तुरई बना दी मैंने। तो अब सासू माँ को देते हैं नाश्ता, और ये है सासू माँ की थाली, तो उनको फटाफट से उनको दे के आती हूँ पहले नाश्ता, फिर बच्चों को दूँगी। तो अभी अब मैं आ गई हूँ सासू माँ को एक्सरसाइज कराने के लिए, नाश्ता उन्होंने कर लिया था, सभी को नाश्ता करा के सारे काम निपटा के मैं तो मैंने कहा सुबह की एक्सरसाइज फटाफट से करा देती हूँ, दो टाइम कराती हूँ। तो मैंने कहा सुबह अभी टाइम मिला था तो अभी फटाफट से एक्सरसाइज कराई उनको, और पति देव अपनी फिर वो करने लगे ड्यूटी जाने की तैयारी, तब तक सासू माँ को एक्सरसाइज कराई, और फिर वो फिर नींद आ जाती है उनको तो मुझे उठाना अजीब लगता है, तो इसलिए मैंने कहा सुबह सुबह ही करा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करा के दूसरे कमरे में चली गई बेटे को होमवर्क कराने के लिए, और फिर मैंने इसको कराया होमवर्क, और ये अपना होमवर्क करते करते इसका ध्यान देखो, यहाँ पर ये मक्खी आई तो ये मक्खी मारने लग गया, और कह रहा नानी ऐसे मक्खी मारती है करके, वो नानी के स्टाइल में मक्खी मारने के चक्कर में इसने 2 मक्खियाँ मार भी दी। चलो कुछ तो सीखा इसने अपनी नानी से, मेरी मम्मी सच में कंघी से मक्खी मार देती तो इसलिए ये भी सीख के आया था वहीं से, तो इसने भी 2 मक्खियाँ मार दी है। और फिर मेरा हो गया दिन के खाने का टाइम, दिन के खाने की हो गई हम लोगों की तैयारी, और दिन के खाने में भी आज हमारा है दाल चावल और अचार, साथ में आम का अचार। कहाँ है तेरे अचार में? तो अभी अब खाना खा के बर्तन वर्तन धो के जैसे कमरे पर आई तो हल्की हल्की धूप आ रही थी, कपड़े डलवा दिए थे मैंने पहले ही, तो धूप और तेज़ हो रही है, तो सोच रही हूँ कि क्यों ना गेहूँ भी डाल दिया जाए, क्योंकि पंखे में सूखे और सीलन हो ही जाती है, फिर भी थोड़ी धूप लग जाएगी तो फिर सही हो जाएगा, कट्टे में रखने के लिए हो जाएंगे। तो फटाफट से गेहूँ डाल के आते हैं पहले, फिर होंगे फिर थोड़ी देर आराम कर लेंगे, फिर बच्चों को ट्यूशन व्यूशन भेजना सभी काम है, तो पहले गेहूँ डाल के आती हूँ फटाफट। दोस्तों हल्द्वानी आते ही मेरे काम हो गए हैं शुरू, और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट तक, और पहले जाना है बेटे के एकेडमी, वहाँ फीस देने जाना है, उसके बाद मार्केट, देखते हैं क्योंकि घर का राशन इतने समय से घर थी तो राशन सब खत्म हो रहा था, तो लेके आना है, और भी काम है पहले, लेकिन उसके कोचिंग में जाते हैं, फीस वीस दे के आते हैं, क्योंकि वैसे तो उसी के हत्ते भेज देती थी, और बात इस बार मैं इनका मिल भी आती हूँ, काफ़ी टाइम से गई नहीं हूँ तो मिल भी आते हैं। हाँ जी हाँ रख दी, मिल लेते हैं, पता भी चलना चाहिए कि बच्चा जा भी रहा है नहीं वहाँ, वैसे तो कह रहे थे इतना विश्वास तो है मुझे अपने बेटे पे कि इतने ऐसे तो इतने समय छोड़ के कैसे जाती अब, लेकिन फिर भी बच्चों का वो है, इसलिए आज पहले वहाँ जा रही हूँ एकेडमी जाती हूँ, उसके बाद फिर मार्केट, और यहाँ आ जाइए धूप, तो अभी तक मेरे अभी छत रखते हैं, धूप अभी तक बढ़िया धूप आ रखी है, मैं सूख रहे हैं अभी, वो भी आके उठाने हैं, गेट बंद कर दो बेटा, बाय बाय। हाँ हाँ जरूर लाऊंगी, हाँ हाय तो बोल दो, चलो हो गया 5 मिनट, ठीक है बाय बाय। बेटे की कोचिंग में फीस सबमिट करने के बाद फिर हम पहुँचे पतंजलि स्टोर पे,
और यहाँ से कोई ज़रूरी आइटम, मतलब जो ज़रूरी आइटम थे वो मैंने लिए, मतलब घी मेरा सबसे पहले ख़त्म होता था, वो सबसे ज़रूरी था, बाकी ऑयल ऑयल और सामान भी लिया यहाँ से, कुछ सामान लेने लेकिन बाज़ार भी गए क्योंकि सब्ज़ी लेने जाना था, तो कुछ सामान वहाँ से भी लाया। और दिनों में स्मार्ट बाज़ार से सामान लाते थे, आज हमने लिया पतंजलि स्टोर से, सब जगह से लेना चाहिए सामान। तो आए फटाफट से अपने यहाँ से सामान लेके, फिर हम निकल पड़े अपने घर के लिए। तो अभी अब मैं छत में आई हूँ गेहूँ उठाने के लिए, और यहाँ पर हवा अच्छी हवा चल रही, तो मैं बैठ गई यहाँ पर, थकान भी हो रही थी तो बैठ गई यहीं पर। और ये है मेरे गेहूँ, अच्छे हो गए बढ़िया से, एक दो धूप और मिलेगी इनको बाद में तो सही हो जाएंगे, मतलब कट्टे में रखने का, कपड़े भी पूरे इधर से उधर उधर से इधर, आप बढ़िया से सूख गए कपड़े, नहीं तो नीचे पंखे में ही सुखाने हो रहे थे कपड़े भी, आज धूप मिल गई कपड़ों को भी। और अभी छत में भी कोई फूल नहीं खिले, आजकल हमारी फुलवाड़ी ऐसी हो रही, गुलाब सब वो अब खिलेंगे, अब कल आ रहे हैं तो अब खिलेंगे। ये देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, और आसमान देखो वाओ। और फिर नीचे आके मैंने जो बाज़ार से सामान लाई थी उसे फटाफट से एक पेटी में रख दिया, क्योंकि डिब्बों में कुछ दालें बची हुई थी, तो पहले बरसात का टाइम पहले पुरानी दालें ख़त्म करूँगी तब नई दालें वो करूँगी, तो सारी दालें बेसन जो आइटम जितने भी थे फटाफट से मैंने इस पेटी में रख दिए, मसाले सब इसमें रख के फिर इनको संभाल के रख दिया अंदर, क्योंकि बाहर पहले भी अच्छे नहीं लगते, तो फटाफट से ये काम किया मैंने नीचे आके। आम के सीजन में आम न खाया जाए ये तो हो नहीं सकता, तो इतने सारे आम लेके आए हैं हम ये, और साथ में सेव भी, क्योंकि ये सासू माँ के हो जाएंगे हमारे, ये आम हो जाएंगे, हम लोग खाएंगे आम और सासू माँ खाएंगी सेव। आज रात के खाने के लिए मेरे हो गई है कटहल की तैयारी, कटहल मेरा बन रहा है, तो इसको आज मैंने काट दिया है छिलके, घर से देवरानी जी ने भेज रखा था, मौसी जी लाई होंगी उसकी, तो उसने यहाँ भी भेजा, तो छिला हुआ कटा हुआ सब था, तो खाली इसके छोटे छोटे पीस बना लिए मैंने, फटाफट से कटहल बनाते हैं आज, यम्मी सा काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अब मेरे को उतना नहीं, पहले शादी से पहले बहुत टेस्टी लगता था, अब उतना मतलब इतना नहीं लगता, पता नहीं क्यों, लेकिन है मतलब इतना सही है, तो बनाती हूँ फटाफट। फिर रात के खाने में आज हमारा है कटहल, सारे काम हो चुके हैं, पहले इनको पिलाते हैं माल्टा का जूस, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो फटाफट से माल्टा का जूस निकालती हूँ और बनाती हूँ, क्योंकि इतना ही बचा है मेरा, देख सकते हैं ख़त्म होने वाला है पूरी शीशी, मेरे घर जाए हुए लोगों ने ख़त्म कर रखी, मेरे घर से आते कि इन्होंने पूरी शीशी ख़त्म करके इतना बचा रखा है, तो एक शीशी पूरी इन्होंने पूरी फिनिश कर दी, इसको बनाते हैं फिर पीते हैं।